नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा सामग्री और पूजा विधि करके दिखाऊंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे करवा चौथ का व्रत कब है। करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती है या निर्जला व्रत रखा जाता है। सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त से पहले सरगई ली जाती है, उसके बाद दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम के समय विधिवत पूजा की जाती है, उसके बाद चंद्रोदय के बाद चंद्र भगवान को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या पूजा सामग्री की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि कोई सामग्री आपको अगर ना मिल पाए तो सच्चे मन से आपके पास जो उपलब्ध है उसमें पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह की फोटो। इसमें चौथ माता की फोटो होती है, गणेश भगवान जी, शंकर भगवान जी की फोटो होती है, तो सभी देवी देवताओं की फोटो इसमें होती है अगर मिल पाए तो। नहीं तो आप दीवार पे अपने हाथों से बना सकते हैं। इस तरह के करवे चाहिए। मैंने दो मिट्टी के करवे लिए हैं। अगर आपके पास पीतल या चांदी का करवा है तो आप वो भी ले सकते हैं। पहली बार अगर आप व्रत रख रही हैं तो ऐसा माना जाता है कि मायके के पैसे से सारा सामान पूजा सामग्री आपको खरीदनी है। फल फूल चाहिए। ये देखिए सूखे मेवे लिए हैं मैंने। सूखे मेवे आप ले सकते हैं, जिसमें काजू, किशमिश, बादाम लिया है मैंने। ये चावल के लड्डू हैं, पिसे हुए चावल के लड्डू हैं, जिसको पिन्नी बोलते हैं। बताशे लिए हैं मैंने, बहुत से लोग गट्टा भी लेते हैं। और इस समय ऋतुफल सिंघाड़ा आता है तो उसे भी आप ले सकते हैं। और ये केला और सेब लिया है मैंने। उसके बाद जो पूजा की सामग्री है, जिसमें रोरी, हल्दी, अक्षत, सुपारी, ये सारी चीजें हैं, धूप, दीप, जनेऊ, तो जो भी सरल पूजा विधि कोई भी आप पूजा करते हैं तो इन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगरबत्ती है तो ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, कलावा की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें चाहिए नारियल। किसी भी पूजा में नारियल जरूर शामिल किया जाता है। तो ये देखिए नारियल है। चावल लेंगे, चावल साफ सुथरा बिना हुआ होना चाहिए। और श्रृंगार का सामान लेंगे। ये देखिए इस तरह का पैकेट आता है, आप चाहे तो अलग अलग सामान भी ले सकते हैं चुनरी चढ़ाने के लिए। उसके बाद फूल, लाल फूल, पीला फूल, गणेश जी को पीला फूल चढ़ता है। दुर्वा चाहिए गणेश जी को चढ़ाने के लिए। तो गणेश भगवान जी की पूजा भी की जाती है इसमें। सर्वप्रथम गणेश भगवान जी की ही पूजा होती है। तो ये है पूजा सामग्री। उसके अलावा बाया की थाली भी पूजा में शामिल की जाती है। बाया की थाली, जिसको सुहाग की थाली भी बोलते हैं, ये अपनी सासू माँ को दी जाती है या किसी सुहागिन महिला को, आपके घर में ननद है, बुआ है, उन्हें भी आप भाभी भी उन्हें भी दे सकते हैं। तो इसमें आप आलता है, साड़ी है, चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, मेहंदी है, ये सारी चीजें शामिल करेंगे। साथ में आप दक्षिणा रखेंगे, जो भी आप 1,000-1,500 जो भी रखना चाहें आपकी इच्छा पे है। तो ये है संपूर्ण पूजा सामग्री। और सरई की भी जरूरत होती है। अगर आपको बहुत सरई नहीं हो पाती है तो आप जो है बिना सरई के भी पूजा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, परेशान ना होइए। और ये है पूजा सामग्री। और जैसा कि अभी दिखा, मिठाई का डब्बा भी बाया की थाली के साथ दिया जाता है, या बहुत से लोग चीनी का करवा आता है, उसमें सूखे मेवे भर के वो अपनी सास को देते हैं और पूजा के बाद आशीर्वाद लेते हैं पैर छू के। तो जब भी पूजा करें उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं। मैंने दो मिट्टी के करवे लिए हैं, आप एक पीतल का करवा भी ले सकते हैं। और मैंने एक पीतल का कलश लिया है। एक करवे में मैंने पानी डाला हुआ है, जल डाला हुआ है, उसमें रोरी, अक्षत, फूल, कुमकुम डाला है। उसके ऊपर एक मिट्टी का पात्र लिया है और उस पर चावल भरेंगे इस तरह से। दूसरे करवे में हम सूखे मेवे डालेंगे, जैसे बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, इस तरह से सूखे मेवे आप डाल सकते हैं। चुहारा है तो सूखे मेवे से हम इसको भर देंगे। उसमें आप बताशे डाल सकते हैं, चावल के लड्डू डाल इसमें रख सकते हैं, बताशे रख सकते हैं। उसके ऊपर मिट्टी के पात्र से हम ढक देंगे इस तरह से और उसमें भी हम चावल भरेंगे। ये देखिए चावल का लड्डू मैंने डाल दिया है करवे में। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें भरी जाती हैं। कुछ जगह पूड़ी फरा रखा जाता है, पूड़ी बतासे रखे जाते हैं, बहुत से लोग चूड़ा रखते हैं, बहुत से लोग दोनों करवे में जल रखते हैं। तो अलग अलग प्रथाएं और मान्यताएं हैं। आप कोई भी, आपके यहाँ जैसे होता है आप वैसे पूजा कर सकते हैं।
सबसे पहले जो भी सामग्री पूजा की उसको पवित्र कर लेंगे, गंगा जल से छिड़काव करेंगे, एक चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे, गंगा जल से पवित्र करेंगे, फिर हम माँ की फोटो रखेंगे, चौथ माता की फोटो इस तरह से रखेंगे। उसके बाद बगल में इस तरह से चावल का अश्वदल कमल बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बन जाता है, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर कलश स्थापना करेंगे, तो ये देखिए पीतल का कलश लिया है मैंने, इसमें जल भरा है, कुमकुम अक्षत रोही डाला है, फूल डाला है, उसके ऊपर चावल का पात्र रखा है, आम के पत्ते लेंगे, आम के पत्ते हम लेंगे बीच में, इसमें आम के पत्ते लगा देंगे, आप चाहे तो अशोक का पत्ता भी लगा सकते हैं। स्वास्तिक बनाएंगे कलश पर और दोनों तरफ से लाइनें खींच देंगे, कलश में जो भी पत्ते हमने लगाए हैं उसमें हम हल्दी कुमकुम लगाएंगे इस तरह से। तो सच्चे मन से पूजा करनी है, जो भी सामान आसानी से उपलब्ध हो पाए आप उसी से पूजा करेंगे। तो इस तरह से कलश में हम कलावा लगाएंगे, फिर उसके बाद गणेश भगवान जी और माँ गौरी की स्थापना करेंगे। वैसे तो फोटो में भी गणेश जी और शिव परिवार की फोटो रहती है, तो गणेश जी एक सुपारी ली है, उसके ऊपर कलावा बांध दिया है मैंने, और चावल का आसन बनाया है, उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान किया है। उसी तरह हल्दी की गांठ से मैंने माँ गौरी बनाई है, आप चाहें तो मिट्टी से भी बना सकते हैं गणेश और पार्वती माँ। अब सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे, उन्हें जल चढ़ाएंगे, माँ गौरी की पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, स्थान को पवित्र करेंगे और उसके बाद हम करवे रखेंगे। तो दोनों करवों को मैंने रख दिया है इस तरह से, करवे का जो टोटी है उसको एक साइड में रखना है, दोनों की दिशा एक तरफ रहेगी, और करवों के ऊपर भी हम कलावा बांधेंगे इस तरह से, करवे के ऊपर हम कुमकुम लगाएंगे, कलश के ऊपर दीपक चला के रखेंगे, उसके बाद गणेश जी को कुमकुम लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, माँ गौरी को कुमकुम सिंदूर अक्षत चढ़ाएंगे, सामने जो फोटो है उसमें जो भी देवी देवता है उन्हें अक्षत कुमकुम लगाएंगे, चौथ माता को लगाएंगे, करवे को हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाएंगे। तो इस तरह से अक्षत चढ़ाना है। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम पूजा करते हैं। गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाने से पहले उसमें थोड़ा सा पीला रंग लगा लेंगे, आप हल्दी लगा सकते हैं। दुर्वा चढ़ाएंगे भगवान गणेश जी को, वो में से एक करवा गौरी माँ का होता है जो मेवे वाला है, और दूसरा चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं। तो लाल रंग का वस्त्र या चुनरी चढ़ा सकते हैं इस तरह से, आप चाहे तो साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। वैसे बाया की थाली भी हम पूजा में शामिल करते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी क्या क्या रखना है उसमें। फूल माला चढ़ाएंगे, भगवान गणेश को फूल अर्पित करेंगे, माँ पार्वती को फूल अर्पित करेंगे, सामने जो चौथ माता की फोटो है उनको पुष्प चढ़ाएंगे, कर्मों को फूल चढ़ाएंगे, कलश पे फूल रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें पूजा करनी रहती है। कलश के ऊपर जो पात्र है, मिट्टी के पात्र है जो करवों के ऊपर, उसके ऊपर हम चावल के लड्डू चढ़ाएंगे इस तरह से रखेंगे, बताशे रखेंगे, अगर ऋतुफल सिंघाड़ा मिल पाए तो आप वो भी रख सकते हैं, गट्टा रखते हैं, ये देखिए चावल या इसको पिन्नी के लड्डू बोलते हैं, इसको हम रखेंगे भोग में। आप कोई भी मीठी वस्तु आप चढ़ा सकते हैं। चौथ माता को बिंदी लगाएंगे, गौरी माँ को बिंदी लगाएंगे, उसके बाद सिंगार का सामान चढ़ाएंगे माँ गौरी को। तो इस तरह से छुआ के बगल में रख देते हैं। आप जो है सिंगार के सामान में चूड़ी, बिंदी और सिंदूर जरूर चढ़ाएं इस तरह से। उसके बाद इस तरह से, तो चौथ है तो चार की संख्या में केले इस तरह से भगवान गणेश जी को छुआ देंगे, माँ चौथ को छुआ के इस तरह से रख देते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान को सुगंध ही प्यारी होती है, सुगंध से ही भोग लग जाता है। बगल में इस तरह से रख देंगे छुआ के, जो भी आप प्रसाद या भोग आप चढ़ाएंगे, जो भी फल फूल आप चढ़ाएंगे उसको छुआ के इस तरह से बगल में भगवान को रख देना है,
नारियल चढ़ाएंगे। तो किसी भी पूजा में नारियल चढ़ाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो श्रीफल इसको बोलते हैं। इस तरह से हम नारियल चढ़ाएंगे और नारियल चढ़ाने के बाद इस तरह से बाया की थाली भी पूजा में शामिल की जाती है। बाया की थाली का मतलब होता है कि पूरे सुहाग का सामान, साड़ी, कपड़े जो है अपनी सास के लिए निकाले जाते हैं या किसी सुहागिन महिला को दिया जाता है, घर के किसी भी सुहागिन महिला को देते हैं। इसमें जो है आप दक्षिणा निकाल दीजिए, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और जो भी सुहाग का सामान है, सीसा, कंघी, सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। साथ में मिठाई का डब्बा दिया जाता है। बहुत से जगह चीनी के कर्मे में मेवे भर के भी सास को बाया के रूप में दिया जाता है। अगर आपकी सास सुहागिन नहीं है तो आप उन्हें दक्षिणे के रूप में कुछ पैसे दे सकते हैं और ये सुहाग का सामान आप किसी और सुहागिन महिला को दे सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ करने के बाद हमें करवा चौथ व्रत की कथा पढ़नी होती है और उसके बाद सुहाग लेना होता है और फिर करवा फेरने की प्रथा होती है। तो सबसे पहले व्रत सुनने से पहले अपने हाथ को खाली हाथों से व्रत नहीं सुनना चाहिए। तो आप अपने हाथों में चावल, कुमकुम और फूल पुष्प ले लें और इस तरह से अपनी आंचल को उसमें इस तरह से आंचल पकड़ लेना चाहिए और फिर आपको कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद जो भी फूल आपने हाथ में लिया है उसे भगवान को अर्पित कर देंगे। बहुत से जगह गेहूं के दाने लेकर हाथों में कथा सुनने की भी प्रथा है। इस तरह से कथा सुनने के बाद जो भी हाथ में आपने अक्षत कुमकुम लिया है, फूल लिया है, उसको भगवान को अर्पित कर देंगे माँ चौथ को। और उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती में भगवान गणेश, माँ पार्वती और भगवान शिव की आरती आप कर सकते हैं, चौथ माता की आरती कर सकते हैं। उसके बाद सभी महिलाएं, अगर आपके घर में और भी महिलाएं हैं, साथ में व्रत करनी है, आप अकेले हैं, तो करवा चौथ के गीत गाते हैं जब तक कि चंद्र भगवान का उदय नहीं होता है। तो इस तरह से ये पूजा करने के बाद करवा, जैसा कि मैंने बताया, करवा फेरना होता है, करवा फेरने के बाद सुहाग लेना रहता है। तो ये दोनों चीज़ आपको करनी है। उसके बाद फिर चंद्र भगवान जब उदय होंगे तो चंद्र उदय के बाद चंद्र भगवान को अर्घ देना होता है, चंद्र भगवान की पूजा करनी होती है और उसके बाद चलनी में चांद देकर पति को देखकर पति पूजन करना होता है और उसके बाद फिर व्रत का पारण किया जाता है। तो सबसे पहले हम करवा कैसे फेरते हैं वो भी बता दें, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो करवा फेरने के लिए सबसे पहले करवों को उठाकर दाहिने करवे को बाएं तरफ और बाएं करवे को दाहिने तरफ रखना होता है। बहुत से जगह देखिए ये दोनों करवे हैं, तो मैं सिर्फ एक बार करवा फेरती हूँ, बहुत से लोग 7 बार करवा फेरते हैं। तो आपके यहाँ जैसे हो, आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, आप उस तरह से फेर सकते हैं। अगर आप पहली बार व्रत रह रहे हैं तो एक विधि अपनाइए और उसी विधि को हर साल आपको फॉलो करना है। तो इस तरह से दाहिने करवे को बाएं तरफ और बाएं करवे को दाहिने तरफ रखना है। जो जल वाला करवा है उसको हम उठा लेंगे, जब चंद्रोदय होगा तो उसी जल वाले करवे से हमें चंद्र भगवान को अर्घ देना रहता है और उसके ऊपर जो प्रसाद या मिठाई रखी होती है वो भगवान को चढ़ानी रहती है, चंद्र भगवान को, और जो प्रसाद बच जाए वो पति को खिलाकर पति पूजन करना रहता है। तो ये देखिए, इस करवे को, जो जल वाला करवा है, उसे फिर हम जो है चंद्र भगवान को अर्घ देंगे इस करवे से। अब सुहाग लेना है। सुहाग लेने के लिए माँ पार्वती को, अगर आपने माँ पार्वती स्थापित करी है गौरी माँ तो वहां, नहीं तो आप चौथ माता की फोटो पे वहां पे भी आप सुहाग ले सकते हैं। तो 7 बार सिंदूर चढ़ाना होता है, हाथ धो लीजिए, फिर 7 बार सिंदूर अपनी मांग में वहां से छू के लगाइए, फिर हाथ धो लीजिए और फिर 7 बार वापस गौरी माँ को सिंदूर चढ़ाना होता है। तो इस तरह से हम सुहाग लेते हैं। तो ये सुहाग लेने का है, तो 7 बार, कहीं पर 3 बार और कहीं पर 5 बार, तो इसमें से आप कोई भी तरह से सुहाग ले सकते हैं। बस सुहाग लेने के बाद फिर चंद्रोदय का इंतजार करना पड़ता है। 8, 8:15 से 8:30 के बीच में चंद्रोदय होगा और चंद्रोदय होने के बाद आप छत पे या जहाँ पे चंद्रमा दिखेंगे वहां पे चंद्र भगवान की पूजा करेंगे। चंद्र भगवान की पूजा कैसे करनी है इसका वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये उसके बाद पूजा करने के बाद, पति पूजा करने के बाद, ये जो बाया की थाली है ये सास को देकर या किसी सुहागिन महिला को देकर उनसे आशीर्वाद लेना होता है। साथ में आप दक्षिणा रख दीजिए, जैसा कि मैंने बताया अगर सास सुहागिन नहीं है तो आप उन्हें दक्षिणा के रूप में 1,000, 500 जो भी आपकी इच्छा हो, 2,000, 3,000 आप उन्हें दे के पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिए। घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद ले लीजिए। उसके बाद बड़ों को जो भी आपने चीज़ें बनाई हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे जो कि शादी में बनता है, जैसे बड़ा, फरा, कढ़ी, चावल,
जो है खीर, ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो इसका भी भोग लगाया जाता है। बिना लहसुन प्याज के बनाई जाती हैं सारी चीज़ें, और फिर जो है घर के बड़े सदस्यों, बड़े बुजुर्गों को खिलाने के बाद, घर के सभी लोगों को खिलाने के बाद खुद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन पे क्लिक करेंगे, बेल आएगी, बेल पे क्लिक करेंगे, सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।